एक्चुअली आज आप लोग प्रेस ब्रीफिंग में थे, तो प्रेस ब्रीफिंग में जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पोल से पहले, पोल डे से पहले काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल में कैसे इन्फोर्स हो रहा है, उसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और साथ में जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, हमारे SP साहब है ज़िले के, साथ में एडिशनल SP अर्बन है, HDPO NCC है, तो सब हम लोग मिलके यही देख रहे हैं जो भी ऑर्डर एनफोर्स हो रहा है कि नहीं ग्राउंड लेवल पे, उसको हम चेक कर रहे हैं। तो इसके साथ फूड पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्चेस जो हो रहे हैं, CAPF है, CRPF यहाँ पे साथ में हैं, तो और फिर त्रिपुरा पुलिस के लोग, TSR भी, कई जगह फूड पेट्रोलिंग चल रहा है। तो ये सब चीज़ ग्राउंड लेवल में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वही हम लोग एक्चुअली देखने के लिए आए हैं। 144 ऑलरेडी लागू हो चुका है 5 बजे के बाद से, आज मतलब शाम 5 बजे से, ये 24 तारीख सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी 144। फूड पेट्रोलिंग हम कितना बजे तक चलेगी? फूड पेट्रोलिंग पूरी रात भर चलेगी, मतलब ये डिफरेंट टीम्स 24/7 डिप्लॉयड है, तो ये फूड पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन, सारे एक्टिविटीज़ चलते रहेंगे। कितना दिन चलेगा? तो ये तो पोल डे में चलेगा, पोल डे के बाद भी चलेगा, इवन काउंटिंग के बाद भी, जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है ना, और पोल तक तो, पोल डे तक तो चलेगा ही, वो थ्रू आउट चलेगा। CAPF में टोटल हमें 12 कंपनी मिला है, तो 12 कंपनी अभी फोर्सेस यहाँ पे हैं, तो CAPF फोर्सेस कई जगह पे डिप्लॉयड हैं, और BSF में से 6 कंपनी हैं यहाँ पे, और CRPF 3, और बाकी TSR के भी 3 कंपनी हैं। नहीं, वेस्ट त्रिपुरा का बात कर रहे हैं, वेस्ट त्रिपुरा में 6 कंपनी का BSF, 3 कंपनी का CRPF और 3 कंपनी का TSR है, जो इलेक्शन ड्यूटी के लिए सेपरेटली ड्राफ्ट इन किया गया है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 400 TSR और सिविल का अलग है, इससे तो पूरा चेक करने के लिए 144 लागू हुआ है, और वो पिछले लास्ट 48 आवर्स के जो एंड ऑफ फोन के लेकर हम लोग जॉइंट फूड पेट्रोलिंग में जा रहे हैं DM सर के साथ, ताकि अगर कोई पब्लिक में विश्वास दिलाने के लिए अगर कोई इसका डर है या फिर कोई एंटी सोशल एलिमेंट घूम रहा है तो फिर उसको यहाँ से हटा दें। थैंक यू।